बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम केक। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/2 आटी दूध, 1/2 आटी शुगर, 2 अंडे और 1 वाटी ऑयल। अब कैसे करने का है अब बताते हैं। हमारा केक हम मिक्सर में बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे और इसके साथ ही साथ इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने 1 मिनट तक ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी अब दानेदार ही लेना ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए मिक्सर में। हमारी चीनी घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अंडा, अंडे जो 2 अंडे हमने लिए थे, और इसको भी अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक ग्राइंड कर लें। इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। देखिए अब हमारा ब्लेंड करके हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। अब हमने जो ब्लेंड करके लिया, अब हम इसके टॉप के अंदर इसे डालेंगे। पूरा अच्छे तरह से हम इसको लेंगे, जरा भी नहीं छोड़ेंगे इसके। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको हम चम्मच के मदद से हिलाते जाएंगे। ऐसे ही करके 1 से 2 बार हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसको हमको अच्छी तरह से हिलाना। एक एक इडली के बर्तन में करेंगे। अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसमें एक भी लंप्स नहीं रहना चाहिए। ले लिया है और इसको हमने अच्छे से घी लगा के इसके ऊपर थोड़ा मैदा छिड़क दिया है। अब इसके अंदर हम हमारा बैटर डालेंगे। इसको इसके अंदर हमने सब बैटर डाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऊपर से थोड़े टूटी फूटी डालेंगे। आपको पसंद हो तो डालिए, वरना मत डालिए। मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए हमने डाल रहे हैं। अब हमने इडली का भांडा रख लिया है। इसके अंदर हमने एक बर्तन रख लिया है जिसके अंदर होल। इडली के बर्तन के अंदर हमने मोल्ड को रख लिया है। अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगाएंगे और इस साथ ही साथ इडली का ढक्कन इसके ऊपर लगाएंगे और इसको हम धीमी आंच पर 25 मिनट तक पकाएंगे। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं। अब इसका हम ढक्कन निकालेंगे।
ये देखिए अब हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम छुरी डालेंगे। अब इसके अंदर हम छुरी डाल के देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए अब हमारा केक पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल के बताते हैं। देखिए अब हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, ये इसका फाइनल लुक। ऐसे हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए अब हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, ये इसका फाइनल लुक्स। हम थोड़ा कट करके बताते हैं। ये देखिए अब हमने केक हमारा कट कर लिया। ये देखिए हमारा केक कैसा बना, इसे हम थोड़ा हाथ से तोड़ के बताएंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी पॉन्जी और अच्छे से पका हुआ है, अंदर से कहीं पे भी कच्चा नहीं। ये हम टी के साथ या चाय के साथ शाम को खा सकते हैं। अगर आपको हमारा केक अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।